प्रजापति स्वाभिमान एसोसिएशन के द्वारा एक निजी लॉन में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र व छात्राओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 150 मेधावी छात्र व छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व मेडल से सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश के पूर्व परिवहन आयुक्त चुन्नीलाल प्रजापति ने बताया कि प्रजापति समाज के मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया है, जिससे समाज के बच्चों को उत्साहवर्धन हो सके और वह प्रेरित होकर आगे और अच्छे से पढ़ाई कर सके और आगे अपना रास्ता प्रशस्त करते हुए एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सके। इस अवसर पर प्रजापति स्वाभिमान एसोसिएशन के संयोजक ओम प्रकाश प्रजापति, दुर्गा प्रसाद प्रजापति, चंद्रभान प्रजापति, विनय कुमार प्रजापति सहित अन्य लोग उपस्थित हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व परिवहन आयुक्त चुन्नीलाल प्रजापति ने कहा और जनसेवा की भावना ने समय समय पर समाज के लोगों को सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले लोग ही सम्मान के अधिकार होते हैं। जो जीवन भर अंधियारों जानता है, वर्तमान को सवार कर भविष्य का सुनहला सपना देखता है। आपने परिचय दिया है और आज के घड़ी में पुनः मेरा नाम चुन्नीलाल प्रजापति है। मैं रिटायर्ड डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हूं और वर्तमान में राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी का मेंबर प्रेसिडियम हूँ। आज प्रजापति समाज के मेधावी बच्चों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम इसलिए आयोजित किए जाते हैं ताकि हम अपने समाज के बच्चों को प्रोत्साहित कर सकें, उनका उत्साह वर्धन कर सकें, उनको प्रेरित कर सकें कि वो मीटिंगों में उपस्थित होने वाले जो समाज की मेधाएं हैं, समाज के प्रतिष्ठित जन हैं और समाज की जो अच्छी उपलब्धियां हैं उनको देख करके वो प्रेरित हों और आगे अपना रास्ता इस तरह का प्रशस्त करें कि उनका अनुकरण करते हुए समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल करें। कुल कितने बच्चों को सम्मानित किया है? मेरे समझ से मेरे पास गिनती तो नहीं है, लेकिन कम से कम 100 विद्यार्थियों को सम्मानित किया जा रहा है। 150 को सम्मानित किया जा रहा है।